राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है शाम से शुरू हो रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। मैं कॉलेज से आ गई और कॉलेज से आने के बाद मैं खाना पीना खाई हूँ और उसके बाद ड्रेस चेंज की हूँ और फिर आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। भाभी सुबह के समय सारे बर्तन धुल दी थी और स्कूल से हम मेरी बहन सब आई थी और हम भी आए थे कॉलेज से, खाए पिए और कुछ जूठा बर्तन था। और रात के समय जो है खीर बना हुआ था तो उसमें खीर बहुत ज़्यादा था, तो मम्मी बोल रही थी कि रात के समय मत बर्तन धुलो और सुबह के समय इसे धुल देना, क्योंकि सुबह के समय भी गर्म हो जाएगा तो सारे लोग खा लेंगे। इसलिए ये पतीली भी था तो मैं सोची चलो इसे भी धुल देती हूँ साथ में। और इस टाइम 4:30 बज रहा होगा, तो 4:30 बजे के लगभग ही हमारी गैया लगती, तो हमारी गैया लग चुकी थी। और उसके बाद मम्मी जो है बछड़े को बांध देती, वरना हम लोग बछड़े को छोड़ देते हैं और बछड़ा दूध पी लेता और इधर उधर इतना दौड़ता है कि जल्दी पकड़ में आता ही नहीं है। इसलिए जब भी टीने में रहता है दूध पीते रहता है और इधर उधर घूमता है तभी हम लोग बांध देते हैं, वरना किसी के बस का नहीं है कि ये जल्दी पकड़ा जाए। मेरी बहन भी सब अपना खाना वाना खा ली थी तो वो अभी सब अपने काम में लग जाती है। एक तो अपनी गाय को चारा वारा डालती है, दूसरी वाली बहन जो अमृता है वह झाड़ू वाड़ू देती है, तो वह झाड़ू दे चुकी है और उसके बाद द्वार घर भी साफ कर चुके। आप लोग देखे होंगे कि आज हमारा द्वार कितना ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग को एक बात बताऊं, कुछ लोग को जो है हमारा द्वार अच्छा ही नहीं लगता है। कहते हैं लोग कि तुम्हारे द्वार नाला बहता है और तुम्हारे घर आना भी नहीं चाहिए, बदबू करता है तुम्हारा द्वार। तो बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं जब हमारे घर नाला ही नहीं बना और सारा पानी ऐसे ही बहता है और डेली हम लोग साफ करते हैं। सोचते हैं कि कोई कुछ बोले ना, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देता है। मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, फिर भी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनको भी नाला बहने का प्रॉब्लम रहता, उनके द्वार भी रहता, तब ना उन्हें दूसरों का दुख पता चलता। लेकिन कैसे पता चलेगा जब उनका द्वार सही है, फ्रेश है? दूसरों को तो कहेंगे ही लोग, पर क्या करें, हमारे नसीब में जो रहेगा वही ना होगा। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले, सही बोले या गलत बोले, वह अपने मन से ही ना बोलता है, हमें क्या लेना देना किसी से। वो सब बातें छोड़िए। और दोस्तों उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों जब मैं बर्तन धुल रही थी तो उसी समय हमारे गाँव में एक फुल्की पानी वाला है, तो मेरी छोटी बहन बोल रही थी कि तुम्हारे पास पैसा है दे दो मुझे, मैं फुल्की पानी खाऊंगी। तो मैं बोली मेरे पास नहीं, फिर कह रही नहीं सुबह के समय मुझे पापा दिए थे, मेरे पास होगा। तो मैं सोची, मैं बोली उसे जाओ अच्छा ले लो जितना है तुम्हारे पास। तो उसके पास 20 रुपये था तो उसी का गई थी फुल्की लेने और मुझसे प्लेट मांगी, तो मैं उसे प्लेट दे दी हूँ और कह रही थी लूँ या ना लूँ। तो मैं बोली जाओ ले लो ना, तुम्हारा मन कर रहा है खाने के लिए, तो वहाँ आ जाती है लेने के लिए। और बोल रही थी कि बहुत कम ही देगा, मैं बोली जाने दो जितना देगा उतना ही ले लेना। और दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बताऊं, जब मेरी बहन फुल्की पानी लेने जा रही थी तो मैं उसका मतलब बोली थी अपनी बहन से कि रिकॉर्ड कर दो, तो वह रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, कह रही थी कि हमारा मत रिकॉर्ड करो हम नहीं आएंगे। तो हम वैसे भी किसी का ज़्यादा नहीं लाते, जो लोग हमारे वीडियो में आना चाहते हैं उन्हीं का हम लाते हैं। वैसे भी जब भी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो एडिट करके ही डालते हैं। जो लोग पब्लिक प्लेस में नहीं आना चाहते उनका हम लोग नहीं डालते, लेकिन उन सबको लगता है कि वो अभी डाल देते हैं, हम लोग का भी तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी और का डालने के लिए। वैसे भी हम लोग अपने फैमिली का ही वीडियो बनाते हैं और अपने फैमिली का ही डालते हैं। उसके बाद मैं अपनी बहन से बोली कि वहाँ पे मत रिकॉर्ड करो, चलो आ जाएगी लेकर तब रिकॉर्ड करना। तो फिर मेरी बहन लेकर आती है अमृता और फिर तब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों जिन जिन लोग को फुल्की पानी खाना पसंद है तो वो लोग भी आइए खा लीजिए, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग फुल्की पानी खा लिए थे, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए थे क्योंकि सारे लोग इकट्ठा बैठ कर खा रहे थे। वैसे भी गाँव में ऐसा ही होता है, जब भी कोई मतलब नया देखता है कि रिकॉर्ड करते हुए तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन हम लोग किसी और का नहीं डालते, हम लोग तो अपने फैमिली का ही डालते हैं। फिर भी लोग इधर उधर बातें करते हैं कि ये ऐसा काम कर रही वैसा काम कर रही, लेकिन हम लोग को किसी के बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो अपना काम करते हैं, उन्हें अपना काम करना चाहिए और दूसरों को कुछ कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन गाँव वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, फिर भी हमें कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ भी बोले हमें तो अपने काम से लेना देना है, तो हम अपने काम तो करेंगे ही। उसके बाद दोस्तों आज शाम को हमारे घर बने दाल चावल साग रोटी, वो भी बतुए वाला,
वाला साग आप लोग देख सकते हैं, मम्मी हमारे जो है खेत से बहुत सारा बथुआ लाई थी, बोल रही थी कि इसका साग बनाओ। मैं बोली चलो इस टाइम जो है दाल बन जाता और सुबह के समय जो है साग बन जाएगा। तो इतना सारा बथुआ हमारे खेत में लगा हुआ था, मम्मी इतना ही तोड़ कर लाई थी। और एक तरफ सरसों भी लाई थी, पालक भी लाई थी, बोल रही थी कि मिक्स वाला साग बना देना। मैं बोली ठीक है सुबह के समय बन जाएगा। तो मैं एक तरफ जो है बथुआ को कट कर रही थी और दूसरी तरफ भाभी जो है चूल्हे के पास जो है लेप लगा रही थी कढ़ाई बदेली में, और जो है राख वख निकाल कर वो अपना आग जलाएंगी और मैं चलती हूँ तब तक बथुआ वथुआ धुल कर और भाभी को दे दूँगी। उसके बाद मम्मी जो है दोबारा खेत गई हुई थी, एक बार तो सुबह के समय गई थी और ये शाम को गई थी। तो वहाँ से मूली लाती, बोल रही थी कि इसका जो है अचार तुम लोग बना दो। वैसे भी आज हम लोग थोड़ा बहुत अचार बनाए थे और बोल रहे थे कि इसे रख दो, चलो गाजर वजर आएगा तो मिक्स वाला जो है बन जाएगा अचार। कह दी थी हाँ ठीक है मिक्स वाला तब तुम लोग बना देना अचार। उसके बाद मम्मी जो है मूली नीचे रख देती है और बोल रही थी कि ये धनिया उनिया है तो उसे भी यहाँ पे रख देती है, कह रही थी कि साग में डाल देना। मैं बोली ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो है हमारे घर दाल उल खत्म हो गई थी तो पापा से बोले थे तो पापा लेकर आए हैं, तो मैं यहाँ इसे डब्बे में रख देती हूँ वरना ऐसे ही रहेगा तो इधर उधर हो जाएगा और छिटा भी जाएगा। तो पापा 1 किलो जो है अरहर का दाल लिए थे और 1 किलो मटर का लिए थे। जब भी हमारे घर पालक वाले और दाल बनता है तो उसमें अरहर और ये मटर का और थोड़ा सा चना का दाल मिक्स होकर ही बनाया जाता है, क्योंकि चना का दाल जो है जल्दी चूरता भी नहीं है और वह खड़ा खड़ा ही रहता है, इसलिए मिक्स कर देते हैं तो जिससे जल्दी से दाल जो है घुला जाता है और जल्दी बन जाता है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दाल बनने में। तो भाभी जो है लेप वेप लगा ली थी और उसके बाद जो है आग जला रही हैं। और दूसरे साइड में आ जाती हूँ सब्जी कट करने के लिए, क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी बनेगा। सॉरी दोस्तों, मैं पहले शायद गलती से भूलकर साग बोल दी थी, साग नहीं बनेगा, आलू टमाटर की भजिया बनेगी हमारे घर। तो एक तरफ भाभी जो है आग जला रही हैं और मेरी छोटी बहन पास में बैठी हुई है, क्योंकि ठंड इस समय जो है बहुत ज़्यादा ही लग रही, भले कुहरा नहीं है लेकिन मौसम जो है बहुत ठंडा है और ठंड ठंड हवा भी बाहर बह रहा है, इसलिए मुझे भी जुकाम हो गया, आप लोग मेरी आवाज़ से जान सकते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि ठंड जा रही है लेकिन ठंड नहीं जा रही, लग रहा है कि वापस ही ठंड आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा बाबू भी आ गया, तो इसे बहुत जोरों से भूख लगी थी, तो इसकी मम्मी जो है नेपाल में दूध डालती हैं तो अभी ये डाल ही रही हैं और उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। जब भी अपना नेपाल देख जाता है और सोचता है कि उसमें दूध डाला जा रहा है तो और जोरों से रोने लगता है, इसलिए मैं अपनी बहन से बोली कि उसे बाहर लेकर जाओ घुमाओ तब तक, और जब नेपाल में भरा जाएगा उसके बाद देना वरना और देखेगा तो और रोने लगेगा। उसके बाद मैं सब्जी कट कर ली थी और हमारे घर टमाटर भी नहीं था। मैं पापा के यहाँ फ़ोन लगाई, पापा का फ़ोन ही नहीं लग रहा था और मैं बोलने वाली थी कि टमाटर लेकर आइए, और लेकिन पापा जो है बिना कहे हुए टमाटर लेकर आ गए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, आप लोग भी देख सकते हैं इतना सारा टमाटर लाए, क्योंकि इस टाइम जो है टमाटर बहुत ही सस्ता मिला, और बोल रहे थे कि इसकी मीठी वाली चटनी बना देना। तो कभी जो है किसी टाइम हमारे घर मीठी वाली चटनी बनेगा, हमें तो बहुत ज़्यादा ही मीठी वाली चटनी पसंद रहती है, आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब भी पापा टमाटर बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं तो बोलते हैं मीठी वाली चटनी बनाने के लिए, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा ही पसंद रहता है। और यहाँ पे देखिए पापा भजिया वाली नमकीन लाए थे, तो यहाँ पे सारे लोग बैठ कर खा रहे हैं और मेरी छोटी बहन सबको बांट दिए और उसके बाद अपने खाते। वैसे हम भी छोटे थे तो हम भी सबको दे देते थे और फिर अपने लेकर खाते थे, क्योंकि पॉलिथीन में बहुत ज़्यादा ही रहता है, इसलिए मेरी छोटी बहन जो है पहले सबको बांट लेती है और फिर अपने लिए ज़्यादा बचा लेती है। और हम बाबू को भी दूध दे दिए थे तो बाबू भी अपना सोकर पी रहा था और एक तरफ सारे लोग नमकीन खा रहे थे बैठकर। और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, तो यहाँ पे मैं आटा भी गूंथ लेती हूँ और सब्जी उब्जी कट करके दे दी हूँ भाभी को, और भाभी जो है अपना भूनेंगी। अभी तो चाय ही बन रहा है, बोल रही थी कि चाय हो गया है उसके बाद सबको दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे जो है आटा भी गूंथ चुकी हूँ, अब मैं चलती हूँ सबको चाय देने के लिए। तो हमारे पापा काम पर से आए थे तो भजिया नमकीन लेकर आए थे, तो हम लोग बोले कि पापा बुआ भी आई है कुछ मंगाइए, तो पापा जो है दोबारा से मेरी बहन को भेजते हैं और मेरी बहन जाती है यहाँ पे देखिए समोसा वमोसा लेकर आई है बाजार से। जब भी हमारे घर कोई आता है तो पापा हमेशा समोसा मंगवाते, वैसे भी घर पर भी सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं सोची चलो समोसे के साथ चाय भी दे देती हूँ तो गर्मा गर्मा सारे लोग पी लेंगे और खा भी लेंगे। तो दोस्तों आइए आप लोग भी गर्मा गर्मा चाय पी लीजिए और समोसा खा लीजिए, क्योंकि समोसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जब भी कोई आता है तो मैं समोसे ही मंगवाती हूँ पहले ही। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा समोसा ही खाती हूँ। अपने बर्थडे के दिन भी मैं समोसा ही मंगवाई थी, सबको पता था कि मुझे समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए समोसा ही हमेशा मेरे बर्थडे पर आता है।
तो यहाँ पे देखिए मैं सबके लिए प्लेट लगा दी हूँ और चाय भी लगा दी हूँ, तो अब मैं चलती हूँ, दे देती हूँ। और मेरी बुआ को भी ज़्यादा पसंद नहीं है वीडियो वीडियो बनाना, इसलिए मैं जो है बाहर नहीं दिखाती हूँ। सोची चलो जो नाश्ता में आया है वही आप लोग को दिखा देती हूँ, वरना आप लोग सोचेंगे कि इतना नाश्ता किसके लिए आया है। फिर मैं बाहर सबको दे देती हूँ और सारे लोग बाहर बैठकर खा रहे हैं बरामदे में। और यहाँ पे देखिए हमारे बाबू को कैसे मस्ती कर रहा है, इसे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी ये अपने से खेलता है और मस्ती करता है। तो देखिए कैसे इधर उधर घूम रहा है और बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था आज, ना जाने क्यों हमें तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी जब भी बाबू हमारा खुश रहता है तो। लेकिन जब बीमार पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ही दुखी भी मन होता है कि बाबू को अचानक क्या हो गया है। जब खेलता है कूदता है इधर उधर जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही क्यूट भी लगता है हमारा बाबू। और दोस्तों आप लोग को हमारा बाबू जो है कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग देख सकते हैं ये कैसे शरारत कर रहा है और कैसे खेल रहा है, आज तो बहुत ज़्यादा ही मगन है। वरना दो दिन पहले तो इसे बुखार होता था तो ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं था, चुपचाप सोता था बेचारा। लेकिन इस टाइम इसका बुखार जुकाम भी सही है, इसलिए बहुत ही मगन होकर खेल रहा था और हमें बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी बाबू को देखकर। और मैं इसे टोपी ओढ़ाई थी तो टोपी जो है बार बार निकाल कर फेंक दे रहा था क्योंकि इसके सर में जो है गर्मी होने लगती है। और दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग बताते नहीं हैं जिससे मुझे भी नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग हमेशा कमेंट करते हैं और बताते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा जो है दाल चावल सब्जी रोटी बन गया, तो आप लोग भी आइए खा लीजिए। प्लेट में पहले से ही लगा ली हूँ, तो यहाँ पे एक तरफ मेरी मम्मी जो है खा रही है और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन जो है अपना पढ़ाई कर रही है, क्योंकि वह एक दिन स्कूल भी नहीं गई थी, उसे बहुत ज़्यादा काम लिखना था तो आज बैठ गई है लिखने के लिए। बोल रही थी कि आज मैं सारा काम कर दूंगी, एक ही दिन में छुटकारा हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेट लगा ली हूँ, तो दोस्तों आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा भोजन कैसा बना है। और हमारे घर तो बथुए वाला दाल अक्सर इस टाइम में बनता है, सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद सारे लोग खाना वाना खा लिए थे और मैं भी खा ली थी, तो बर्तन भी अपना धुल दी थी मैं, पहले से ही बर्तन धुल दी थी। और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं की क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही अंधेरा रहता है। मैं सोची डेली तो मैं बर्तन का दिखाती हूँ, तो चलिए आज मैं चूल्हा अपना पोतने में लग गई हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। वैसे भी 3 दिन बाद मैं अक्सर अपना किचन पोतती हूँ, वो भी पूरा। और जब भी मैं पूरा किचन लीपती हूँ अपना, तो शाम के समय ही लीपती हूँ क्योंकि सुबह के समय टाइम भी नहीं मिलता। अगर सुबह के समय मैं लीपूंगी तो ये पूरा किचन भी नहीं लीपा पाएगा और सूखेगा भी नहीं और काम करने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे किचन के पास ही हमारा भूसा वाला घर है, तो वहाँ से मेरी छोटी बहन जो अपना लेना पानी और चारा वारा गाय को निकालती है, तो उसी रास्ते से आना जाना रहता है। और जो मैं सुबह के समय लीपूंगी तो पूरा जो है ख़राब हो जाएगा लीपा हुआ, इसलिए जब भी मुझे किचन लीपना रहता है तो मैं रात में ही पूरा किचन लीपती हूँ कि सुबह के समय अच्छे से सूख भी जाएगा और खाना बनाने में भी आराम रहेगा। इसलिए मैं अक्सर रात में ही पूरा किचन लीपती हूँ, जिससे सुबह के समय आराम रहेगा और रात में सूख भी जाएगा। तो देखिए मैं आज किचन लीपने में लग गई हूँ और हमारा किचन भी लीपा चुका है। तो दोस्तों बताइए हमारा किचन आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि 2 दिन बाद अक्सर मैं अपना किचन लीपती हूँ क्योंकि सुबह के समय लिपा ही नहीं पाता, आधा किचन ही लिप पाता है। और बहुत ज़्यादा ही कचरा लग रहा था किचन, क्योंकि काले काले धब्बे पड़ गए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोची चलो आज किचन लीप देती हूँ, तो देखिए हमारा किचन भी लिपा चुका है और बहुत ज़्यादा ही फ्रेश लग रहा था। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं किचन लीप चुकी थी और उसके बाद बाल्टी में पानी रख देती हूँ, हाथ पैर धुल कर आई थी और यहाँ पानी भी रख दी, और भाभी को रात में ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगी अपना। और दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।